हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस अभ्यास। हम मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पार्ट टू को शुरू करते हैं। इसमें हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जो आया था इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर ए स्टार्ट मैं आपको बता दूं कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें इतना ज़्यादा अमेंडमेंट किया गया था कि अपने आप में ये कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द प्रियम्बल। प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स जोड़े गए थे, जैसे कि आपको पता है कि प्रियम्बल में सोवरेन डेमोक्रेटिक के रिपब्लिक शब्द वर्ड्स आए हैं। ये नेचर ऑफ द स्टेट को दर्शाता है। इसमें दो वर्ड्स और जोड़े गए, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में कि हमारा जो सोशलिज्म होगा वो ना ही कम्युनिस्ट टाइप का सोशलिज्म होगा ना ही कैपिटलिज्म होगा। हमारे यहाँ मिक्स इकोनॉमी होगी, यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होगा। ठीक है, इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और सेकुलर वर्ड जो हमारे यहाँ जोड़ा गया था, सेकुलर वर्ड का मतलब है कि हमारे यहाँ वेस्टर्न सेकुलरिज्म नहीं है, हमारे यहाँ स्टेट जो है वो इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करता है सभी रिलीजन के साथ। ठीक है, तो ये एक बेसिक अमेंडमेंट किया गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये कहीं ना कहीं नेचर ऑफ द स्टेट को और ज़्यादा तरीके से डिफाइन करता है। ऐसा नहीं है कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म पहली बार आया था या इंडिया में पहली बार इसी के बाद सोशलिज्म और सेकुलरिज्म आया, ये पहले से था, बस इसे एक्सप्लिसिटली प्रीएम्बल में लिखा गया। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत बेसिक अमेंडमेंट किया गया, पार्ट 4A जोड़ा गया, समझ मारा, आर्टिकल 15(1)A। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिसिएबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई अगर फॉलो नहीं करता है तो आप उसे कोर्ट तक ले जा सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये केवल सिटीजन के लिए है, लेकिन फिर भी अगर आपने आउटलाइन कर दिया है तो लोगों को ये पता है कि कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं तो राइट्स के साथ साथ उन्हें ड्यूटीज में भी अवॉइड करना पड़ेगा, समझ में आया। थर्ड चीज़ है कि प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया एडवाइस ऑफ द कैबिनेट के, कि अगर कैबिनेट ने कोई एडवाइस दिया तो यू आपको जो है आपको उसी के आधार पर फैसला देना होगा। ठीक, इसके अलावा पार्ट 14A के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए और अदर ट्रिब्यूनल का प्रोविजन भी डाला गया, समझ में आया। इस तरीके से हमारे यहाँ जो कुछ ऐसे मैटर्स हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड मैटर्स हैं उनके लिए एक सेपरेट ट्रिब्यूनल बना दिया गया ताकि एक्सपर्टाइट जस्टिस मिल सके। ठीक है, और ऐसे मैटर्स को बहुत जल्दी रिजॉल्व किया जा सके, जैसे कि हमें पता है कि हमारे कोर्ट्स में पेंडेंसी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको कुछ रेलिवेंट फिगर फॉर द फर्स्ट सेंसस, इसमें हुआ ये कि बेसिकली जो एलोकेशन ऑफ सीट्स था उसको 2000 तक फिक्स कर दिया गया। एक्चुअली क्या था कि जैसे जैसे हमारा सेंसस होता था तो पॉपुलेशन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और साउथ इंडियन स्टेट्स का, क्योंकि वो पॉपुलेशन कंट्रोल करते तो उतना नहीं बढ़ता था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए समझ में इन्होंने क्या किया कि 1976 का सेंसस लिया, उसके बेसिस पर इन्होंने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट्स जो थे वो डिफाइन कर दिए। ठीक है, असाइन कर दिया गया ये चीज़, और उसके बाद उसे 2000 तक फिक्स कर दिया गया। ये भी एक अमेंडमेंट किया गया ताकि अनड्यू बेनिफिट ना मिल पाए नदर्न स्टेट्स को बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक, एक तरफ तो साउथ इंडियन स्टेट्स पॉपुलेशन डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, तो इसके वजह से उन्हें ज़्यादा सीट ना मिल जाए नॉर्थ इंडियन। ठीक है, उसके अलावा फंडामेंटल राइट को सबऑर्डिनेट बना दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल के। अब ये बहुत मतलब कॉन्ट्रोवर्सियल अमेंडमेंट था। अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल में देखिए, ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है, समझ में आ रहा है, जस्टिसिएबल पार्ट नहीं है। अब इसमें अगर आप कोई भी लॉ बनाते हो और आप ये कहते हो कि वो फंडामेंटल राइट के ऊपर जाएगा वो लॉ, तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट की जो सैंक्टिटी हो जाती है वो कम हो जाती है और लोगों को राइट ज़्यादा से ज़्यादा देना ये डेमोक्रेटिक एसेंस होता है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए मतलब ये एक तरह का इम्पैक्ट था डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है। हाँ, वो फंडामेंटल टू द गवर्नेंस है, लेकिन ऐसे लॉज आप नहीं बना सकते डायरेक्टिव प्रिंसिपल की आड़ में ताकि वो फंडामेंटल राइट को सब्जुगेट करते, ये चीज़ नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ जुडिशियल रिव्यू के पार, हाईकोर्ट की जुडिशियल रिव्यू पार को भी कर्टेल कर दिया गया। अब देखिए, जुडिशरी जो होता है ना वो हमारे यहाँ एक थर्ड विंग ऑफ गवर्नेंस है, और अगर किसी भी तरीके से जुडिशियल रिव्यू के पार को कर्टेल कर दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो ये अपने आप एक कॉन्ट्रोवर्सी है। इसके साथ साथ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो टीन्योर थे उसे 5 साल से 6 साल कर दिया गया। ठीक है, 1 साल बढ़ा दिया गया। इसके अलावा कुछ अमेंडमेंट्स और किए गए, जैसे कि कुछ लॉज जो थे उन्हें एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को कर्टेल करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए। अभी देखिए, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के नाम पर
कई सारे ऐसे लॉ बनाए जा सकते हैं जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट कर सकता है। तो ऐसे पार्लियामेंट को इतना ज्यादा पावर दे देना ताकि आपके फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होने लग जाए, ये एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर देता है और डेमोक्रेसी के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता। या तो आप एंटी नेशनल एक्टिविटी को डिफाइन करें, जैसा कि हमने पढ़ा है कि इंडियन पास्ट में ऐसी कई सारे लॉज लाए गए एंटी नेशनल एक्टिविटीज के नाम पर, जिसके वजह से कई बार फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर दिया जाता है और उसको प्रेसिडेंस ओवर दी फंडामेंटल राइट दे दिया जाता है, ये एक प्रॉब्लम थी। इसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, जैसे कि इक्वल जस्टिस, प्री लीगल एड लाया गया 39A के तहत, इसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A लाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 48A लाया गया। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ये अमेंडमेंट्स 42nd अमेंडमेंट में लाए गए हैं, कई बार पूछ लेते हैं हमारे से। इसके साथ साथ जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, वो किसी भी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया में किया जा सकता है, पहले पूरे ऑल इंडिया लेवल पे किया जा सकता था। आप वन टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल बढ़ा सकते हैं, पहले 6 महीने आप 1 साल तक कर सकते थे। इसके अलावा एम्पावर किया गया सेंटर टू डिप्लॉय आर्म फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर, अब एक तरीके से मिलिट्री रूल टाइप का आने लगा, समझ में आ रहा है। तो ये दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो उस समय में अप्रोर क्रिएट किया। और आपको मैं बता दूं कि कई सारे ये अमेंडमेंट जो थे, इसे बाद में जनता गवर्नमेंट जब अमेंडमेंट लाई तो उसे काफ़ी सारे अमेंडमेंट को 44, 46 के अमेंडमेंट के तहत इसे जो है पॉस्ट किया गया, ठीक है। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे स्टेट लिस्ट थे, मतलब 5 सब्जेक्ट ऐसे स्टेट लिस्ट में थे, इसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। देखिए, आप स्टेट लिस्ट के पार को अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देंगे तो स्टेट लिस्ट के पार में केवल स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, कॉन्करेंट में स्टेट भी बना सकता है और पार्लियामेंट भी बना सकता है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट ने अपने पार को इनहेंस कर लिया, ठीक है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, ऐसे ये सब जितने भी थे इनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर ये चीज समझने वाली बात है कि इस तरीके से पार्लियामेंट ने अपने पार को बढ़ा लिया कि जब कोई मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो उसको उसमें स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर सुप्रीमेसी आ जाती है, और अगर किसी केस में रिपग्नेंसी होगा तो पार्लियामेंट प्रिवेल करेगा, ठीक है, बारिंग सम एक्सेप्शंस, लेकिन ये चीजें हमारे सामने दिखता है। अच्छा, डिड अवे द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम इन द पार्लियामेंट। अब सोचिए, अगर कोरम हटा दिया जाएगा, जैसे अभी के टाइम में कोरम है कि 1/10 मेंबर होने चाहिए, अगर कोरम हट गया तो कोई एक मेंबर भी प्रेजेंट होगा और वो बिल पास कर देगा प्रेजेंट इन वोटिंग करके, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, समझ में आया। तो ये चीज उन्होंने हटा दिया, कोरम हटा दिया, कितना डेंजरस अमेंडमेंट है ये। इसके साथ प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, ये कुछ अच्छी है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात की गई, तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सियल अमेंडमेंट्स विच आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है। ऐसे ही ऑसम वीडियोज अगर आपको देखना है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड एट द सेम टाइम हिट द लाइक बटन, ठीक है। थैंक यू।